Yes, boss. पूछता हूँ ये क्या बदतमीजी है, सुबह सुबह लोग सो रहे हैं, इतना ऊंचा टीवी लगा के बैठी हो तुम। सो रहे तो मैं क्या करूँ, तुम तो दिन भर सोते रहते हो और घर में नहीं ऑफिस में भी सोते रहते हो। वर्मा बेटा कह रहा था मुझसे, तुम तो दो ही काम करते हो ऑफिस में, या तो गप्पे लड़ाते हो या सोते रहते हो। अगर मैं ऑफिस में सोता रहता ना तो वर्मा का बच्चा तुम्हारी बेटी को कब का उड़ा के ले गया होता। तुम्हारे पास तो एक ही टेप है ना लगाने के लिए, उड़ा ले गया होता, उड़ा ले गया होता। जिस दिन सचमुच कोई उसे उड़ा के ले जाएगा ना, तुम देखते रह जाओगे, हाथ मलते रह जाओगे। किस तरह की माँ हो तुम, अपनी बेटी के बारे में किस तरह की बातें करती हो। है अपने बेटी का भला सोचना हर माँ का फर्ज होता है। एक विशेष सूचना, मौसम विभाग ने हमें अभी भी जानकारी दी है कि आने वाले 24 घंटों में शहर में जबरदस्त बारिश होने वाली है और बाढ़ आने की पूरी संभावना है। एक काम करो, जाओ जरा बाहर घूम फिर के आओ जाओ, ताकि मैं बाढ़ में बह जाऊं और तुम्हें मुझसे छुटकारा मिले। लेकिन मैं इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाने वाली। नेचुरली भगवान को भी इतने खतरनाक चेहरे नहीं चाहिए ऊपर। तुम्हें ये, तुम यही रहोगी मेरे सर पे रहोगी, मुझे खपना पड़ेगा तुम्हारे स्टॉप। आज मैं ये नहीं पूछने वाली हूँ कि झगड़े की वजह क्या है, क्योंकि मैं इससे थक चुकी हूँ, बोर हो चुकी हूँ। मोहन, टीवी पे बार बार न्यूज आ रही है कि जबरदस्त बारिश होने वाली है, बारिश शुरू होने से पहले तैयार हो जाओ, ऑफिस नहीं जाना है क्या। अरे बेटी ये इतनी जल्दी नहीं जाएगा, पहले मुझसे झगड़ा करेगा, मेरा दिमाग चाटेगा, मुझे पकाएगा, उसके बाद जाएगा। मीरा तुम इनको बिलीव कर रही हो, वेदर ब्यूरो की तुम रिपोर्ट को बिलीव कर रही हो। अरे ये लोग बोलते हैं कुछ है, होता कुछ है, बोलते हैं बारिश आने वाली है तो बारिश एक बूंद नहीं आती, बोलते हैं कल सूखा रहेगा तो बारिश आ जाती है। ये डोंट बिलीव देम यार। मोहन फालतू की बातों में टाइम वेस्ट मत करो, तैयार हो जाओ, अरे ऑफिस जाना नहीं है क्या। उफ, इस आदमी से कुछ भी कहना बिल्कुल बेकार होता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मीरा जी। सर बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, थैंक गॉड मैं घर से वक्त पर निकल गई, वरना मैं तो पूरी भीग जाती। मेरे जी अगर आप भीग जाती तो आपको देख के मुझे याद आती मधुबाला की वो गाना याद आता, एक लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जागी थी। सर कैसी बातें कर रहे हैं आपको तो बस तारीफ करने का बहाना चाहिए। मेरे जी अगर कोई चित्रकार आपको भीगा हुआ देख ले तो आपका चित्र बना ले, कोई शायर अगर आपको भीगा हुआ देख ले तो आपके ऊपर नजर लेते, कोई मौसीकार आपको भीगा हुआ देख ले तो आपके ऊपर एक गाना बना, और कोई छिछोरा आपको भीगा हुआ देख ले तो आपको लेके उड़ जाए। What do you mean by that? सर मैं तो आपकी बात कंप्लीट कर रहा हूँ। मैंने आपको बुलाया कि आप यहाँ पर आए और अपने वाहियात कमेंट्स दें मुझे। सर एक्सक्यूज मी सर, मैं आती हूँ। सर क्या बात है, आपको हमेशा मेरी हर बात वाहियात लगती है सर। क्योंकि आप आदमी वाहियात हैं तो बातें वाहियात ही करते हैं। सर किसी के घर की इज्जत को बचाना क्या वाहियात बात है? किसके घर की इज्जत बचा रहे हैं? अपने दोस्त बंटी जी के घर की इज्जत बचा रहा हूँ मैं। उनकी बचा रहे हैं इज्जत या उनकी इज्जत लूटने की फिराक में? एक्सक्यूज मी सर, बंटी जी मेरे परम मित्र हैं, इज माय क्लोज फ्रेंड। कोई भी शख्स अपनी खुद की इज्जत कैसे लूट सकता है सर? तो कौन है वो जो लूटना चाहता है इज्जत उनकी? छोड़िए सर मेरा मुंह न खुलवाए। आई सेड कौन है वो आदमी? सर मैं कह रहा हूँ बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। आई सेड गिव मी द नेम ऑफ दैट मैन। मैं कह रहा हूँ सर खंजर दिल में चुभेगा और पार हो जाएगा। लफाजी मत करिए, टेल मी द नेम ऑफ दैट मैन। सुनिए फिर, उस आदमी का नाम है आई नो ही वाज सेइंग मिस्टर वीपी। मेरी प्यारी बीवी कभी तो मेरी बात पर यकीन कर लिया करो, मैं नहीं था कल रात को होटल हनीमून में। तुमने देखा था तो किसी और को देखा होगा, मेरा हमशक्ल होगा, मैं नहीं था। शादी के बाद हम लोग गए थे क्या हनीमून पर? नहीं ना, फिर सो स्वीट। हाँ रखो फोन रखो। बीवी से कितना झूठ बोलना पड़ता है। इसका मतलब सर आप होटल हनीमून में थे हैं? अपनी औकात मेरा समझे सर, मैडम को फोन करो 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 ना। सॉरी सर, क्या है इतनी सी पगार मिलती है उसमें 10 दिन का राशन नहीं आता, ऊपर से 10 बच्चे हैं सर। मैंने कहा था क्या, ये लो 5 दिन का राशन ले आओ। सॉरी सर, ये मरवाएगा एक दिन। सर आपने बुलाया सर? जी सर आपने बुलाया सर। आपने बुलाया सर? हाँ जी। मीरा जी, जी आपको और वर्मा जी को रेनबो साड़ी वाले के पास जाके मीटिंग करनी है। राइट सर। सॉरी सर आई कांट गो, मेरे डायमंड शूटिंग के चेयरमैन के साथ मीटिंग है सर। कोई बात नहीं सर, मैं अकेली चली जाऊंगी। ओके मैडम, अकेली कैसे जाएंगी? I'll come with you. वो बच्ची नहीं है, she can take care of herself. But she's a... she needs company sir. मुझे आप वहाँ पे लगेंगे मोहन जी। But she's a lady. सुनिए एक सेकंड, मैं कह रहा हूँ मुझे आप वहाँ लगेंगे। चमचागिरी कौन करेगा चेयरमैन की? आई नीड समवन हु हैज दिस नैक। मेरे में तो नैक है नहीं, आप में नैक है चमचागिरी करने की। एक मिनट, एक सेकंड, कंप्लीट
तो क्या है चंचगिरी करने के लिए आप मुझे वहां पर लगेंगे? But sir, how can she go? She can go. Okay, okay, okay. जिसको जैसे जाना है जाइए, मीटिंग कीजिए और शाम को मुझे यह रिपोर्ट कीजिए. Okay? Let's dismiss. Get out. मुझे भी मीटिंग में जाना है. चलिए, come on. Let's go. हाँ, वहीं पर हनीमून. ओके, पहुंचता हूँ. एक घंटा तो लगेगा. ओके. सावन का महीना पवन करे सो. अरे फोन करो. क्या हुआ? अरे क्या, सीधे नहाकर निकल जाएगा बाथरूम से. इडियट, दिखता नहीं बाहर इतनी बारिश हो रही है. छाता ले जाना चाहिए ना. छाता लेके गई थी लेकिन बाहर इतनी हवा कि मेरा छाता उड़ गया. वैसे भीगी हुई तुम बहुत अच्छी लग रही हो. थैंक यू. लेकिन अगर मुझे बुखार हो गया तो? डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें अपनी टी-शर्ट दूंगा. कोई जरूरत नहीं, मैं एक्स्ट्रा कपड़े लेके आई हूँ. स्मार्ट गर्ल, कोई जरूरत नहीं अपनी टी-शर्ट उतार के देने की. वैसे जीजू और मोहन जी कहाँ हैं? वो लोग सब तो मीटिंग के लिए बाहर गए हुए हैं. ओह माय गॉड, बाहर तो यहाँ तक पानी है. अगर कहीं फंस गए तो वो लोग. जीजू को तो तैरना भी नहीं आता. अच्छा ये सब छोड़ो, आके चेंज तो कर लो पहले. जाओ जाओ चेंज करो. पहुंच गया. अरे भाई ये हेडक्राम का ऑफिस कहाँ है? ए, 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 कौन बोल रहा है? अरे सर, सर मैं सद्दू. ओ सद्दू, कितनी बारिश है, कितनी बारिश है बाहर पता है? रास्ते पे 8-8 दोनों फीट का पानी भरा हुआ. सर तो यहाँ तक कैसे आया? अरे मैंने देखा कि एक सांड झुकी और भाग रहा था. तो मैंने उसकी पूछ पकड़ ली, उसके पीछे पीछे आ गया यहाँ पर. What a sight, man, what a sight. कि सांड की पूछ पकड़े हुए दूसरा सांड. अरे वर्मा जी आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? सर सर आपको मालूम नहीं कि मैं नेशनल लेवल का स्विमर हूँ. आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट. अच्छा अच्छा सर. सर लेकिन आपके साथ मोहन जी थे, वो कहाँ है? अरे हाँ वो तो मैं बताना भूल गया कि वो क्या है कि जू पे 8-9 फीट पानी है और मोहन जी को स्विमिंग नहीं आती है तो वो एक खंबे से लिपटे हुए खड़े हैं. आपको शर्म नहीं आती? मोहन जी को स्विमिंग नहीं आती, आप नेशनल लेवल का स्विमर है तो उनको पीठ पे बिठा के लाना चाहिए. अरे ऐसे वक्त पे तो लोग दुश्मन की मदद करते हैं. मैं दुश्मन की मदद करने को तैयार हूँ लेकिन मोहन जी की वर्मा जी नहीं चाहिए मुझे आपकी मदद. सर नहीं चाहिए. आपको राके साईया मार सके ना कोई. मोहन जी आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? सर इतनी बारिश के पूछिए मत. सर मेरे सामने से दो लेडी स्नैक जा रहे थे, मैंने उनकी पूछ पकड़ ली. ये बिस्किट का पैकेट किसी से मांगा, बिस्किट खाते खाते तैरते तैरते यहाँ तक पहुंचा. वेरी गुड वेरी गुड. लेकिन हम लोग अपनी बात सोच रहे हैं. मीरा जी कहाँ है? माय गॉड. हाँ मीरा जी कहाँ? मीरा जी कितनी बार फोन लगा चुका, मीरा जी को फोन लगते ही नहीं. पता नहीं कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी यार. सो ब्राइट. ये लो फोन डेड हो गया. डोंट वरी विनोद, मैं आ गई हूँ. तुम मुझे फोन लगा रहे थे ना? लेकिन तुम आई क्यों? तुम्हें तो घर होना चाहिए था इस टाइम. अरे अगर मैं घर पे होती तो डूब जाती. घर में 8 फुट तक पानी आ गया है और मैं सिर्फ 5 फुट की हूँ. अरे बेवकूफ औरत, हमारा घर ग्राउंड प्लस 1 फ्लोर है. You could have gone to the first floor. वहाँ पानी नहीं आता है. अरे हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं. और वैसे भी मुझे ना तुम्हारी टेंशन हो रही थी और बदले में तुम मुझे ही डांट रहे हो. अच्छा ये बताओ कि तुम यहाँ पे आई कैसे? चारों तरफ पानी पानी है. पता है दो हैंडसम नौजवान लड़के मुझे अपने कंधे पर उठाकर यहाँ पर लेकर आए और एक तो मुझे उतारते हुए पानी में बह गया. आप यहाँ पर आप क्यों आए? इतनी मूसलाधार बारिश में क्यों आई है? मतलब यहाँ पर वहाँ भी कम मेरा लगा. ज्यादा कंसर्न दिखाने की कोशिश मत करिए. चुप करो, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ, मैं तो मोहन जी के लिए भी आई हूँ. मुझे इनकी भी टेंशन हो रही थी. माय गॉड आई एम सो लकी मैडम कि आप मेरी दोस्त. आई एम सच ए लकी बॉय. मोहन जी आपका घर कैसा है? आपकी बीवी कैसी है? घर में पानी तो नहीं आया? मैडम मैं तो नल्ला सुपारे की जो टेकरी है ना हिल टॉप उसके ऊपर रहता हूँ. नल्ला सुपारे में नल में पानी नहीं आता तो ऊपर से पानी कहाँ से आएगा ना. वर्मा जी बारिश बढ़ रही है, पानी बढ़ रहा है तो ये डिसाइड होगा कि सब लोग ऑफिस में रहेंगे. अपना अपना कोना ढूंढो और सो जा. मोहन जी आप एक काम कीजिए, स्टोर रूम में देखिए कुछ बिछाने के लिए मिलता है क्या. सर रात को सर सब लोग मिलके बैठेंगे, मिलके खाएंगे पिएंगे, बड़ा मजा आएगा सर. सब लोग ताशी खेलेंगे, मैं और मीरा मैडम एक ही टीम में, उनको सब पुराने गाने याद. लेकिन है कहाँ मीरा मैडम? सर कहाँ है मीरा मैडम? मीरा मैडम कहाँ है? रोना बंद कीजिए और चलिए मेरे साथ. विनोद तुम और मैं इस ऑफिस के कमरे में, हाउ रोमांटिक. तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम पागल हो? बाहर लोग डूब डूब के मर रहे हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं और तुम्हें यहाँ रोमांस सोच रही. अपने फोन को क्या हो गया? बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही, घर कैसे जाएंगे? नहीं तो मुझे बहुत डर लग रहा है. एक तो मेरे मशीन में ना पानी चला गया तो मुझे गीली गीली आवाज आ रही है. ए, लकी इतना बाहर बहुत पानी भरा है और कोई नाव लेके आया और पुकार रहा है कोई है. चलो चलो नाव देखते हैं. चलो आओ आओ नहीं रुक जाओ, मेरे होते हुए तुम्हें कोई आंच नहीं आएगी. सच में? सच. कौन है बे? सर लकी की सेफ्टी के लिए. सर लकी क्या है? रास्ते बोल रहा है.
अरे क्या करूं, मेरे मशीन में पानी चला गया तो मुझे रुक रुक के आवाज आ रही है। तेरा तो कान काट देना चाहिए। क्या सुनो, इतनी बारिश हो रही है, घर तो जा नहीं सकते। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी केबिन में ही सो जाऊंगा। तो मैं क्या करूँ, मुझे अकेले सोते हुए बहुत डर लग रहा है। तो सद्दू को लेके सो जाओ ना। सद्दू सद्दू से तो सांड की बदबू आ रही है। मोहन जी को लेके सो जाओ। अरे मोहन जी इतने खराटे भरते कि खुद तो सो जाएंगे, मैं रात भर जागते बैठूंगा। अरे यार तो भरत को लेके जाओ ना। अरे क्यों लेके जाऊं, जब अपने खुद के आदमी हो तो दूसरों से मदद क्यों ले। और सर छाते के आड़ में क्या कर रहे हैं आप दोनों? कुछ नहीं कर रहा हूं। सर जी एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। यस, ये तो क्या है, लकी डर गई है ना, तो उसे हिम्मत दे रहा हूं। मैं डर गई थी क्या? आप डर गए थे? साली वो डर गई है। आपकी साली नहीं है, मेरी है। देखिए आज रात कोई घर नहीं जा पाएगा तो लड़कियां सारी कॉन्फ्रेंस रूम में सोएगी। ओके ओके सर। गर्ल्स यस सर। देखो आज की रात आप सब लोग कॉन्फ्रेंस रूम में सोएगी। ओके जाइए जाइए जाइए, चलो 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 कॉन्फ्रेंस रूम में चलो। आओ आओ चलो। सर आप कहाँ जा रहे हैं, आप लड़की थोड़ी हैं। मुझे मालूम है मैं क्या हूँ। कौन गया? लाइट गई सर, लाइट गई। तो जाके कुछ कीजिए ना, नीचे जाइए ना। मैं नहीं जाऊंगा, मैं जाके फ्यूज को हाथ नहीं लगाऊंगा। सर सर स्पार्क हो गया, करंट लगे, मैं मर जाऊंगा सर, इतना पानी भरा हुआ नीचे। आई विल नॉट गो। ना लैंड लाइन चल रही है, ना मोबाइल चल रहा है, कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो जाएगा। सर मुझे मीरा मैडम की फिक्र, कहां जा रही पता नहीं कहां। अरे हम यहां फंसे हुए, आपको मीरा मैडम की चिंता है। देखा मोहन जी, इतनी बारिश है फिर भी ये गुरखा अपनी ड्यूटी निभा रहा है। सर ये गुरखा नहीं है तो? ये स्टीमर की आवाज है, स्टीमर आया है। आपका कहने का मतलब ये कि हमारा ऑफिस बहते बहते समुद्र में चला गया? जी नहीं सर, समुद्र से स्टीमर बहते बहते हमारी गली में आ गया नीचे। ओ माय गॉड, क्या किया जाए, क्या किया जाए। सर 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 मैं आपकी साली नहीं हूँ। मुझे पता है इसलिए आपको लिपटा हूँ। कट क्यों किया पुष्पा? पुष्पा पुष्पा नहीं यार, रहने दो ना पुष्पा। हाँ पुष्पा, तूने चश्मा क्यों लगाया? पुष्पा निकाल दे इसे। पुष्पा भरत, इसकी हाथ बांध यार, ये रात में सोने नहीं देगा। पता नहीं कौन है पुष्पा, कहाँ मिली इसको, समझ नहीं आ। हाथ बांध दे, हाथ बांध दे पुष्पा। अगर हाथ बांध दे क्या कर रही है? राखी क्यों बांध रही है? प्यार से मारना, जोर से क्यों मार रही है? पुष्पा पुष्पा पुष्पा। भरत भरत, मैं नीचे जाके पानी में खो जाऊंगा, यहाँ नहीं सोऊंगा। ये आदमी है कैंडा, उठ। नींद में भी मीरा जी को याद कर रहे हो? यार सो और सोने दो यार, क्यों क्यों दिमाग खराब कर रही हो? दरअसल क्या है, मैं सो नहीं रहा था, मैं जाग रहा था। मीरा जी पानी फंस गई ना, इसलिए दिमाग में वही घूम रहा है। मीरा जी इसलिए तुम सो जाओ, तुम सो जाओ। ठीक है। ओके। मुझे इस खटी हरकत की उम्मीद नहीं थी। अरे नहीं भाई, मेरा चश्मा है ना कहीं गायब हो गया, इसलिए मैं अपनी केबिन ढूंढ रहा हूँ, मुझे केबिन नहीं मिल रही है। लेकिन आप तो लकी लकी कह रहे थे। मोहन जी उठिए,
उठिए मोहन जी। बारिश 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 कम हो गई है, पानी उतर चुका है, अब बिजली आ गई। कमाल कर जाएगी, कमाल गेट गोइंग, कमाल। वर्मा जी गजब हो गया, गजब हो गया। आप रो क्यों रहे? लेकिन लगता है इनकी बीवी बाढ़ में बह गई। ओह शट अप, डोंट एंटीसिपेट थिंग्स। वर्मा जी, मीरा जी अब तक घर नहीं पहुंची। ओह माय गॉड, कल दोपहर को मीटिंग के लिए गई थी, वहां से निकल चुकी है, लेकिन अब तक घर नहीं पहुंची है। कहां गई मीरा मैडम? मेरी मीरा मैडम कहां चली गई? मेरी मीरा मैडम, मेरी मीरा मैडम, मेरी मीरा मैडम, आपको कब सो गई वो? आपकी औकात है? विनोद, उफ़, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक तो मीरा जी गायब है, ऊपर से तुम मोहन जी के साथ झगड़ रहे हो। ओह माय गॉड, मेरी मीरा, मीरा जी पता नहीं कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी, पता नहीं कहाँ चली गई, जमीन खा गई, आसमान निकल गया, पानी पी गया, कहाँ चली गई मीरा? माय गॉड, कैसी होगी मीरा? अरे बहस छोड़िए, हमें उनके घर जाना चाहिए, उनका हस्बैंड भी घर नहीं पहुंचे। हस्बैंड उनके घर नहीं पहुंचे? आप खुश हो रहे हैं? नहीं सर, मुझे अफसोस है कि वो घर नहीं पहुंचे, और शायद ना पहुंचे, पहुंच ना पाए। हमें जाना चाहिए। बिल्कुल भरत, तुम मैडम को ले घर जाओ, और मैं जरा मीरा जी घर जा रहा हूँ। कहाँ चली गई, कहाँ रह गई? दो पैसे गायब है, दो पैसे गायब है, दो पैसे गायब है। क्या बोल रहे हैं? दो पैसे गायब है, दो पैसे गायब है। आपको पैसों की पड़ी हुई है? नहीं बेटा, कल दोपहर से गायब है। पर आपके वो दामाद जी कहाँ हैं? बेटा उनके होने न होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसी बात करते हैं आप आंटी, आपने दामाद के बारे में ऐसे बोल रहे हैं आप, आपके दामाद है कोई तो फिक्र की। अरे जब बेटी गांव में तो दामाद का क्या करूंगी, अच्छा डालूंगी, अच्छा डालूंगी। छाता बंद नहीं करेंगे, बारिश इनके दिलो दिमाग में घुस गई, साइको हो गए हैं सर, हर वक्त छाता पकड़े खड़े रहते हैं, ये टॉयलेट भी छाता पकड़ के जाते हैं सर, और टॉयलेट करने के बाद फ्लश भी नहीं करते, पानी की हवा से डर जाते हैं सर, पानी की हवा से। सर बारिश खत्म हो गई सर, बंद कर दीजिए। एक्सक्यूज मी, इंस्पेक्टर यहाँ क्यों आए हो? मीरा श्रीवास्तव का घर यही है। बोलिए 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 बोलिए। देखिए मीरा जी, क्या 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 हुआ, क्या हुआ मीरा जी को? मीरा जी को क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ मीरा जी को, क्या हुआ मीरा जी, क्या हुआ? बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। कौन है ये? ये मीरा जी के हस्बैंड के दोस्त हैं। इनकी हालत देखकर लकता है कि यही मीरा जी के हस्बैंड हैं। करते हैं। अरे बकवास बंद करो। आओ मुर्दे पे आओ। मुर्दा नहीं सर, मुर्दा क्यों बोल रहे हैं? मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे आओ। मुद्दा ये है कि धारावी के नाले से हमें ये चीजें मिली है। मीरा मैडम के कपड़े, मीरा मैडम के कपड़े, मीरा जी का पर्स, पता नहीं मीरा जी किस नाले से बह गए, किस नदी में बहती होगी। सर मैं बताऊं तो छोटे नाले से होते हुए मीठी नदी में गई होगी, वहां से सीधा अरब सागर में निकली होगी। सर ये मीठी नदी कौन है? फर्स्ट टाइम नाम सुन रहा हूँ। अपना दफ्तर नहीं है सर? हाँ। उसके पीछे एक गंदी नाली है ना सर? हाँ हाँ। बहुत गंदा नाला है, बहुत बड़ा। हाँ हाँ। उसको मीठी नदी बोलते हैं। सिंकिंग फीलिंग इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे अपनी कश्ती में छोड़ दीजिए प्लीज। चलिए आप, चलिए चलिए चलिए। सर मेरी बात सुनिए, ये कपड़े और ये पर्स मुझे दे दीजिए। क्यों? क्योंकि मीरा मैडम मेरे बुड्ढे हस्बैंड है बंटी जी। सर वो उनको जो मालूम पड़ेगा ना मीरा मैडम रही ना कपड़े रहे, तो सर वो तो जीता जी मर जाएंगे बेचारे। जब मरने को मैं कह रहा था कि बुड्ढे मर जा मर जा, 5 साल से बोल रहा था, तब तो बुड्ढा मरा नहीं, अब मर के क्या फायदा? क्या बकवास कर रहे हैं? क्या बकवास कर रहे हैं? मैं जा रहा हूँ इन कपड़े को लेकर। मुझे लेके जाइए साथ में। वो कश्ती लेके आया दो आदमी के लिए, शिपनी लेके आया। अरे अब मैं घर कैसे जाऊँ? सर आप एक काम कीजिए, इस छाते को पानी में उल्टा कीजिए, इसी के अंदर बैठ जाइए सर, और हाथों से छई चप्पा छई छई चप्पा छई करते करते घर पहुंचे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे छोड़ के कहाँ चली गई? ये भी नहीं सोचा मीरा कि मैं तेरे बिना दुनिया में अकेला कैसे रहूंगा, वर्मा का सामना कैसे करूंगा, हर रोज ऑफिस कैसे जाऊंगा, कैसे वापस आऊंगा, मेरी पगार में तो 2 टाइम की रोटी भी नहीं, मैं भूखा मर जाऊंगा। मौसम के कारण मेरी भी तबीयत खराब हो गई, मेरा कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, मेरा तू पानी में डूब के बह गई और मैं पीछे रह गई।
मैं और तेरी माँ पीछे रह गई मेरा। मेरा मैं भी अब गंदे नाले में डूब के अपनी जान दे दूँ। मोहन अगर तुम भी चले गए तो बेटा मैं किसके सारे जिंदा रहूंगी। सासू माँ आपका क्या है, आप तो नैन भटका करते रहते हो, पीछे गार्डन में आपका कोई हम उम्र आपका कोई साथी मिल जाएगा आपका क्या, लेकिन मैं उसी गंदे नाले में डूब के अपनी जान दे। मैं भी जा रहा हूँ डूबने में। बस कर मीरा। सासू माँ तुम भी लगता पागल हो गई हो मेरी तरह। अरे क्या मीरा मीरा चिल्ला रही है, मीरा इस दुनिया में कहाँ कहाँ। मोहन 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 इधर मुंडी घुमा के देख। मीरा तुम जिंदा हो? हाँ। मीरा you are alive मीरा। हाँ मोहन। तुम्हें कुछ नहीं हुआ? नहीं। Oh my God, वो इंस्पेक्टर, वो कपड़े, वो पर्स, वो सब एक डाटा था, सिर्फ ये जानने के लिए कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो मोहन। और अब मैं जान चुकी हूँ, फाइनली जान चुकी हूँ कि तुम मुझसे बेहद प्यार करते हो मोहन। आई लव यू वेरी मच। मीरा मैं तो तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, देखो मैं नाले में कूदने के लिए जा रहा था मीरा, लेकिन वर्मा को देखो, वर्मा ने अब तो कुछ भी नहीं किया मीरा, वो तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ मीरा, मैं तो कूदने जा रहा था तुम्हारे लिए। मोहन जी क्या हुआ? अरे मीरा मैडम जिंदा। मोहन जी मीरा मैडम के जाने के गम में वर्मा साहब ने धारावी के नाले में छलांग लगा दी। डूब गए क्या? नहीं नहीं पानी कम था ना इसलिए सिर्फ टांग टूटी। We'll be right back.